चलिए बात अब करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि मरुधरा में रिकॉर्ड तोड़ ठंड है। प्रदेश में ठंड अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। माउंट आबू में पारा माइनस में, तो वहीं -7 में पारा है माउंट आबू में, तो जोबनेर में -4 दर्ज किया गया है पारा। फतेहपुर और चुरू में भी माइनस में पारा नजर आ रहा है। जनवरी में 10 साल बाद इतना कम पारा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन जोरदार सर्दी और पाला पड़ने की संभावना है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। अलवर और भरतपुर में 7 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी की बात कही है, 2 दिन की छुट्टी के आदेश दिए हैं। और देखिए सर्दी का सितम अब लोगों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने यह कहा है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी। माउंट आबू की बात की जाए, जोबनेर की बात की जाए, और अगर फतेहपुर और चुरू की बात करते हैं, तो ये वो जगह है जहां पर पारा माइनस में है। और सर्दी का सितम कितना ज्यादा पड़ रहा है, तमाम मेरे सहयोगी बताने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। माउंट आबू से कमलेश प्रजापत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ जयपुर से दिनेश तिवाड़ी और सीकर से रमेश मेरे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं माउंट आबू ही, जहां का जो पारा है वो माइनस में दर्ज किया जा रहा है और सर्दी काफी ज्यादा है। कमलेश बताइए मौसम कैसा है और सर्दी कितनी है? देखिए दीपिका, आज वर्ष 2023 का सबसे ठंडा दिन कहा जा सकता है। तापमापी का जो पारा है न्यूनतम 7 डिग्री के करीब है। मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम होटल चाचा इनके जो ग्राउंड है उसके अंदर खड़े हैं, और आप देख सकते हैं जो ये चिड़ियाओं के पानी पीने का जो पात्र रखा हुआ, इस पात्र के अंदर यहाँ पर ये बर्फ की मोटी लेयर जमी हुई है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो है कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच देखिए बाहर जो घरों के बाहर जो पात्र रखे हुए थे, इन पात्रों में यहाँ पर पानी जमा हुआ नजर आ रहा है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जो कड़ाके की सर्दी, इसकी वजह से ये पानी की जो जमावट है, आप देख सकते हैं जो बर्फ की जो मोटी लेयर है दीपिका, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो है कड़ाके की सर्दी है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जनजीवन तो जहाँ अस्त व्यस्त है, वहीं आप देखिए ये मोटी लेयर तोड़ने में भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी के बीच जो जनजीवन है जरूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन सर्दी का आनंद कहीं अलग नजर आ रहा है। इसकी बर्फ की जो थिकनेस है उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो आज जो तापमापी का पारा है -7 पर है। और दूसरी तरफ एक नजारा दिखाना चाहूंगा, जहां हम इस ग्राउंड में खड़े हैं, तो ग्राउंड में देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है बर्फ की मोटी लेयर यहाँ पर जमी हुई नजर आ रही है। देखिए जो ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर जो पूरा ग्राउंड है वो आपको सफेद नजर आ रहा होगा। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू में आज कड़ाके की सर्दी है, और इस कड़ाके की सर्दी के बीच कहीं ना कहीं जहाँ सामान्य जनजीवन तो जरूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन जो सर्दी का आनंद लेने के जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं माउंट आबू का रुख करते हैं। जी दीपिका बिल्कुल कमलेश, और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वाकई में वो बयां कर रही है कि कितनी ज्यादा सर्दी है, क्योंकि हम तो सिर्फ बता रहे हैं कितना टेम्परेचर है, लेकिन आप तो तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जो पानी है, जो पाला है, जो ओस पड़ रही है वो जम गया है, और किस तरीके से अब समझ आता है कि लोगों को कितनी ज्यादा सर्दी झेलनी पड़ रही होगी। अब आपको सीधे सीकर लिए चलते हैं, रमेश मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, हमने देखा माउंट आबू में तो इतनी ज्यादा सर्दी है कि पारा जो है वो माइनस में पहुंच गया है, -7 में, लेकिन अगर सीकर की हम बात करते हैं तो वहां पर कितनी ज्यादा सर्दी है? बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि शेखावटी में लगातार पारा 4थे दिन भी आज माइनस में रहा है, तापक्रम जमाव बिंदु के नीचे रहा है, और खेत खलियानों में जो ओस की बूंदे थी वो बर्फ में तब्दील हुई है, और घरों के बाहर जो पानी था उसमें बर्फ जमी है। कहा जा सकता है कि शेखावटी में इस समय कड़ाके की सर्दी है, हाड़ कपकपाने वाली सर्दी है। पहले दिन का तापक्रम था उससे लोगों को कहीं कहीं राहत मिलती थी, लेकिन दिन का तापक्रम है उसमें भी 7 डिग्री की कटौती हुई है। जो तापक्रम 25-26 डिग्री दिन में चल रहा था वो 17 से 18 डिग्री पे है, और जो शीतलहर सुबह शाम चल रही थी वो शीतलहर अब दिन में चल रही है। लोग 5 बजे बाद अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि इस समय लगातार 4थे दिन शेखावटी का जो पारा है वो माइनस में चल रहा है। शीतलहर
कहा जा सकता है कि हार्ड कपकपाने वाली शीतलहर है और हवा में काफी नमी बढ़ी है जो 90 से 92% तक देखी गई है। तो इस समय जो शेखावटी के हालात हैं वो सर्दी से हाल बेहाल है, लोगों का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। पहले सुबह शाम लोग अलाव जला करके अपनी सर्दी से बचने का जतन कर रहे थे, लेकिन अब तो दिन में भी अलाव जलाना पड़ रहा है और साथ में ही एक सुबह सुबह जो घना कोहरा है वो शेखावटी में छाया रहता है। 10 से 11 बजे बाद सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन सूर्य भगवान के दर्शन के बाद या धूप निकलने के बाद भी लोगों को कहीं सर्दी से राहत नहीं मिलती है, ठिठुरन वैसे ही है और हाड़ कपकपाने वाली सर्दी समय शेखावटी में है। बिल्कुल, लगता है कि एक सप्ताह तक शेखावटी के लोगों को इस सर्दी का सामना और करना पड़ेगा। बिल्कुल रमेश, बेशक धूप निकल जाए लेकिन धूप का इतना असर नहीं अब नज़र आ रहा है क्योंकि सर्दी की वजह से अब लोगों को काफ़ी परेशानी तो बेशक हो रही है, लेकिन अब जयपुर का तापमान कितना है, जयपुर में कितनी ज़्यादा ठंड है वो जान लेते हैं। दिनेश बताइए ज़रा। जी दीपिका, देखिए सर्दी के हालात जयपुर में भी बेहद बदतर स्थिति में कह सकते हैं, क्योंकि तापमान जो है दिन ब दिन गिरता जा रहा है और आज 4 डिग्री पर राजधानी जयपुर का तापमान पहुंच गया है। आज से 4 दिन 5 दिन पहले तक जो लोग बातें कर रहे थे कि जब 6 डिग्री से ऊपर तापमान था तब ये कहा जा रहा था कि जयपुर की जो है सबसे सर्द रात है, लेकिन जो सबसे सर्द रात की बात कर रहे हैं वो सर्दी अपना रिकॉर्ड खुद ब खुद तोड़ती जा रही है और तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा है। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4.6 और आज तापमान 4 डिग्री पर आ गया है। ऐसे में आगामी 2 दिन तक ये तापमान में और गिरावट होने की संभावना है और जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड जिसकी हम बात कर रहे थे वो पूरी तरह अपना असर दिखा रही है। राजधानी जयपुर में भी कड़ाके की ठंड का असर पूरी तरह नज़र आ रहा है। कोहरे की अगर बात करें तो कल कोहरे से राहत थी, लेकिन आज भी राजधानी में कोहरा नज़र आ रहा है। आगामी 2 दिन तक कोहरा व शीतलहर बने रहने की पूरी संभावना है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में, पूर्वी राजस्थान में आज कल और परसों यानी कि 7 तारीख तक पूरे शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजधानी जयपुर भी येलो अलर्ट में शामिल है। तो वहीं उत्तरी राजस्थान जो है सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, इन जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में इन जिलों में शीतलहर के साथ घना कोहरा बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पाला गिरने की भी पूरी संभावना जताई है। जी, ऐसे में ये कह सकते हैं सिका कि कड़ाके की ठंड की जो बात कर रहे थे वो प्रदेश में लोगों को पूरी तरह कपकपी छुड़ा रही है और मौसम विभाग ने इस ठंड से बचने के लिए पूरे निर्देश दिए हैं, क्योंकि शीत दंश का एक बड़ा डर इस समय बना हुआ है कि थोड़ी देर या अधिक समय के लिए अगर आपको बाहर निकलना है तो खुले में ना निकले, सर को और हाथों को कवर करके निकलें। ये बार बार मौसम विभाग ये चेतावनी दे रहा है क्योंकि ये उत्तरी हवाओं का जो असर है इसकी वजह से लगातार 7 तारीख तक शीतलहर बनी रहेगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर बनी रहेगी और इसी वजह से तापमान में गिरावट है। प्रदेश के लगभग 20 जिलों का तापमान घटकर 5 डिग्री के नीचे तक दर्ज हो रहा है। तो ये कह सकते हैं सिका कि जो कड़ाके की ठंड की जिसकी हम बात कर रहे थे वो पूरी तरह प्रदेश में दस्तक दे चुकी है और इसका असर आगामी 7 जनवरी तक बना रहेगा। इसको लेकर प्रशासन और इसका असर भी नजर आ रहा है और जो लोग ये अगर सोच रहे हों कि अभी सर्दी लग रही है लेकिन हाँ आने वाले कुछ दिन में हमें थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगले 2 दिन जोरदार सर्दी पड़ने वाली है और साथ ही साथ पाला पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। एक बार फिर से आपको माउंट आबू लेकर चलते हैं। कमलेश, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है उससे तो यही नजर आता है कि अभी आने वाले जो 2 दिन हैं और भी ज्यादा सर्दी झेलनी पड़ने वाली है, साथ ही साथ ना केवल सर्दी बल्कि पाला पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देखिए दीपिका, जो माउंट आबू के मौसम का मिजाज है पूर्णतः बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए अगले 2 दिन तक कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सर्दी का असर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी है और कड़ाके की सर्दी से जो सामान्य जनजीवन प्रभावित है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार अवतार भाई भी मौजूद हैं जो सुबह सुबह निकले हैं इस उम्र के अंदर सर्दी को कवर करने के लिए। अवतार भाई, आपने जनवरी में देखा होगा कितनी सर्दी पड़ रही है, इस बार क्या नजर? आज जो माहौल दिख रहा है उसे ऐसा लगता है कि पिछले लंबे समय के बाद पहली बार जनवरी में इतनी माइनस में गया है और अंदाजा यह है कि लगभग 4 होना चाहिए आज।
इनका अंदाजा ये कह रहा है कि 4 होना चाहिए, लेकिन जो टेम्परेचर मीटर बता रहा है वो -7 यहाँ पर बता रहा है। और इस बर्फ की जो दीपिका जो मोटी लेयर है, इससे अंदाजा लगा सके, इसकी जो थिकनेस है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो कड़ाके की सर्दी है, और इस कड़ाके की सर्दी के बीच जहाँ पर्यटक माउंट आबू की सर्दी को खास यहाँ पर देखने आते हैं, तो खास करके यहाँ के जो लोगों को जो परेशानियां हो रही है सर्दी की वजह से, जो जो तमाम इलाके हैं वहां पर सुबह बर्फ की चादर नजर आ रही है, और सर्दी से बचने के लिए लोग कहीं ना कहीं अलाव का यहाँ पर सहारा भी ले रहे हैं, तो गर्म पेय पदार्थों का बिल्कुल कमलेश अलाव का सहारा भी लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ गर्म कपड़े भी पहनने पड़ेंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और तस्वीरें पहुंचाने